नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है सी अच्छा सन एजुकेशन। बहुत लवली चैनल है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर टू। लेक्चर वन में हम लोग पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। लेक्चर टू लेक्चर वन में हम लोग पढ़ा था डेल्टा एटॉमिक थ्योरी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। आज हम लोग स्टार्ट करने हैं ये नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। इतने सारे टॉपिक कवर करेंगे आज हम लेक्चर टू में। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स ये स्टार्ट करेंगे थॉमसन, उसके बाद थॉमसन एटॉमिक मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, फेलियर और रदरफोर्ड मॉडल, रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स। इतने सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तीसरा टॉपिक नॉन फंडामेंटल नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये टॉपिक आज पढ़ेंगे। फंडामेंटल बेसिकली जो फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, फंडामेंटल वही होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसके अलावा जो भी है उसको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसमें जो पहला जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स में उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इसको डिस्कवर किया था कॉन्ड्रेसन साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था। पॉजिट्रॉन बेसिकली होता है पॉजिट्रॉन के, देखिए इसी से बना हुआ है, इसी नाम है इसका। पॉजी मतलब पॉजिटिव और ट्रॉन मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन। तो पूरा मिला क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या हो गया, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसका मास होता है 9.11 × 10⁻³¹ kg एंड चार्ज जो होता है इसका 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है इसका चार्ज। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हुआ मास इसका 9.11 × 10⁻³¹ kg चार्ज। देखिए पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पॉजिटिव होगा 1.6 × 10⁻¹¹ कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो पॉजिट्रॉन है तो पॉजिटिव आ गया। इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, तो बेसिकली इसमें और कुछ बताया जाता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है आफ्टर कंबाइनिंग विथ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कंबाइन करता है तो हाईली अनस्टेबल होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात पर इसमें और होता है, ये गामा रेज प्रोड्यूस करता है। गामा रेज ही प्रोड्यूस करता है, आपने गामा रेज का नाम सुना होगा। तो गामा रेज कौन प्रोड्यूस करता है, पॉजिट्रॉन, यही गामा, इसको याद रखिएगा। इसको आप इसको एक चीज़ और बोला जाता है, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसको इट इज ऑल्सो नोन एज एंटी इलेक्ट्रॉन, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, एंटी इलेक्ट्रॉन। आप दूसरा नंबर में आता है फंडामेंटल पार्टिकल्स में एंटी प्रोटॉन। इसको डिस्कवर किया था सीग्रे, ये डिस्कवर किया था इसको। इसका मास बताता हूँ मैं, 1.672 × 10⁻²⁷ kg होता है
एंड चार्ज इसका होता है -1.16 × -19 कूलम। इसका देखिए निगेटिवली चार्ज होता है। अब थर्ड आ जाएगा आपका नंदन फंडामेंटल पार्टिकल्स में न्यूट्रोनो NNT न्यूट्रोनो। इसको कौन डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय पॉलिंग डिस्कवर्ड किया, पॉलिंग साइंटिस्ट ये डिस्कवर्ड किया था। इसमें जो होता है इसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स जानने कितना जो न्यूक्लियस के लगता है, जो न्यूक्लियस के अंदर सारे चीज़ को बाइंड कर रखता है उसको बोलता है न्यूक्लियर फोर्स। जीरो चार्ज होता है इसमें और मास में ऑलमोस्ट जीरो होता है, जीरो चार्ज, चार्ज बराबर जीरो होता है इसमें जीरो, एंड मास भी ऑलमोस्ट, मास ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब फोर्थ तो है, फोर्थ आ गया मेरा मेजोन। इसको कौन क्या डिस्कवर, युकावा एक नाम साइंटिस्ट था वो इसको डिस्कवर किए थे युकावा। युकावा इसको डिस्कवर किए थे, युकावा नाम से डिस्कवर किया था ये युकावा। फोर्थ हमारा और लास्ट नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में युकावा। ये एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को यही डिफाइन करता है न्यूक्लियस की युकावा। इट एक्सप्लेन लिख देता हूँ, इट एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी डिफाइन करता है। ये इलेक्ट्रॉन से हैवी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लेते थे यहाँ इसको, हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से हैवियर होता है ये, बट लाइटर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन से हल्का होता है ये। आगे जो आप पढ़ने जा रहे हैं चौथा टॉपिक थॉमसन एटॉमिक मॉडल, आप लोग देख रहे हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन साइंटिस्ट का नाम था, उस पर एटॉमिक मॉडल खोज किया था उस, तो उसके नाम पे रख दिया गया उस ओनर के लिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे वाटरमेलन मॉडल, वाटरमेलन के जरिए ही थॉमसन ने समझाया था यह मॉडल। तो बेसिकली एक वाटरमेलन लेते हैं, यह है वाटरमेलन, तो वाटरमेलन में अगर वाटरमेलन को 20 सिक्का दे तो उसका पार्ट दिखेगा, तो उसमें सारे जितने रेड रेड पार्ट होते हैं, रेड रेड ये सब इसको मैं शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, रेड रेड पार्ट दूसरे पेन से। बेसिकली जो आपने खाया हुआ जो खाने वाले पार्ट है रेड रेड गुद्दा इसको बोलते हैं, इसको उसने पॉजिटिव चार्ज का नाम दिया, पॉजिटिव चार्ज। और ये सारे जो है इसको इलेक्ट्रॉन उसने कहा, जितने बीज हैं ये सब बीज हैं, इलेक्ट्रॉन में बीज होते हैं ना, सॉरी इसमें वाटरमेलन बीज होते हैं ना, बीज को उसने इलेक्ट्रॉन कहा, और जितने भी रेडेड पार्ट है उसको पॉजिटिव चार्ज का। तो बेसिकली ये उसमें पॉइंट बता देता हूँ, कुछ है नहीं, इसको पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बोला गया, फर्स्ट पॉइंट इसमें है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर।
को बोला गया पॉजिटिव चार्ज स्फीयर। इसमें जो चार्ज और मास थॉमसन मॉडल को आप लोग दिखाने की कोशिश करता हूँ। लैपटॉप देखिए स्क्रीन पर ले जाता हूँ, यही बेसिकली थॉमसन मॉडल। जितने भी रेडिएटेड पॉइंट है हो गया पॉजिटिव चार्ज, जितने भी बीज हैं ब्लैक ब्लैक इसको इलेक्ट्रॉन बदलता है, बेसिकली यही थॉमसन मॉडल है। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या पॉजिटिव चार्ज है, स्फीयर बोला जाता है इसको। इसमें जो होता है चार्ज और मास और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये मेन पॉइंट इसमें है कि चार्ज एंड मास आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सेकेंड पॉइंट इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड होता है, इलेक्ट्रॉन्स इम्बेडेड जो बीज है उसी होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स बीज में इसमें पड़ा हुआ है इम्बेडेड ऑन इट। इस मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग और रेजिन और वाटर मेलन मॉडल बोलते हैं, तीन नाम है इसका। दिस मॉडल आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल, तीन नाम से जानते हैं प्लम पुडिंग और रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल। ये मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, छोटा पेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ वाटर, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन करता है ऑफ एटम। बट ये मॉडल आप फेल कहाँ हुआ, थॉमसन मॉडल फेल हो गया था, पर मॉडल फेल कहाँ हो गया था, जब रदरफोर्ड का अल्फा स्केटिंग मॉडल आया तब ये मॉडल फेल हो गया। आगे मैं बताऊंगा क्यों फेल हुआ था, कैसे फेल हुआ था, जब अल्फा स्केटिंग पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। तो बस इसमें इतना ही, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होता है इसमें, ये सब इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं इसको, ये सब इलेक्ट्रॉन है, इसमें जितने भी रेडिएटेड पार्ट है ये सब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बोलता है इसको। प्लम पुडिंग या रेजिन पुडिंग और वाटर मॉडल है, एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को। अब लास्ट टॉपिक है अपना पांचवा टॉपिक, अदर फोर्स अल्फा स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये टॉपिक है पांचवा टॉपिक। इसमें हम लोग देखिए सेटअप डी बना लिए हैं, क्या क्या सेटअप लगा था अदर फोर्स ने। पहले सबसे पहले ये लेड बॉक्स था, लिया गया था लेड बॉक्स, इसके ऊपर एक रेडियोएक्टिव, इसमें देखिए रेडियोएक्टिव एलिमेंट रख दिया गया था, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जिससे अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस हो। ये लेड प्लेट है, लेड प्लेट लिया गया था, क्यों लेगा लेड प्लेट, क्योंकि इसे जो रे निकलेगी वो कंसंट्रेट होकर इधर जा सके, तो इसे तो बहुत सारे रे निकलेगी, वो एक। अब स्टार्ट करने में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें सेटअप तैयार कर चुके हैं। ये हमारा है लेड बॉक्स, इस पे एक यूरेनियम, इसमें एक यूरेनियम का सबस्टन रेडियोएक्टिव सबस्टन यूरेनियम है, वो भी रेडियोएक्टिव सबस्टन ले सकते हैं,
जो अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस करता है, कोई रेडियो एक्टिव सबस्टेंस ले रही है। यह है आपका लेड प्लेट, और ये है आपका गोल्ड फॉइल। इसका थिकनेस है 4 इंच 10 बार 15 सेंटीमीटर, बहुत ही पतला लिए हैं, क्योंकि इन गोल्ड फॉइल पतला लेने, बहुत इतना पतला क्यों लिए हैं, इतना पतला लेने से क्या है कि हमको इंडिविजुअल एटम को पता करना है, एक एटम के बारे में पता करना है, उसके अंदर न्यूक्लियस के बारे में पता करना है। तो इसलिए पतला लेंगे, अगर ज़्यादा मोटा लेंगे तो उसके ज़्यादा आइटम आएंगे तो हम लोग नहीं एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, इसलिए पतला लिए हैं, बहुत पतला देखते हैं। फोर इंटू टेन पावर माइनस फिफ्टीन सेंटीमीटर। ये जेडनस का स्क्रीन है, इस पर आकर लाइट गिरेगी, इस पर अल्फा वर्टिकल गिरेगी है स्क्रीन पे। अब देखिए हम लोग ये लेड प्लेट का यूज कर रहे, क्योंकि इसमें से यूरेनियम पार्टिकल है तो बहुत सारे रे निकलेगी, कुछ रे इधर जाएगी, तो इसलिए यूज किए हैं, क्योंकि ये इधर जितना रे पास करेगी, इधर से रे आराम से पास करना चाहिए, इस फ्लो में पास करना चाहिए, नहीं तो रे उधर उधर चल जाएगा, इधर कम रे आ पाएगा। तो इधर ये इसलिए लगा दिए दो प्लेट, फिर रे इधर से पार्टिकलली पास करे, अल्फा पार्टिकल इधर से पास करे, तो इधर से पास करेगा अल्फा पार्टिकल, पास करते करते ये गोल फायर टकराएगी, ऐसे पास करेगी, और ये पास करते हुए इस पे जेडनस स्क्रीन पे जाएगी, और आगे देखते हैं सेटअप इसका। पास करने के बाद ये स्किन होने के बाद क्या होता है, कितना ये रिफ्लेक्ट करे, अगर फोर्ड मॉडल का सेटअप तो देख लिए हम लोग, सेटअप ये रहा, ये सब सेटअप है। आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि इसमें हुआ था क्या, जब न्यूक्लियस टकराया था अल्फा स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल, तो क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, ये हम न्यूक्लियस है एटम का, ये एटम है पूरा गोल, ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर इसमें जो पाया गया है बता देता हूँ, ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ पहले, ऑब्जर्वेशन पहला इसमें ऑब्जर्वेशन बता देता हूँ, इसमें पहला ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट 99% कंटिन्यू विद देयर स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब 99% अल्फा पार्टिकल पास किया यहाँ से, लगभग 99% इस एटम से स्ट्रेट लाइन पास, पूरा पूरी पाथ पास कर गया, स्ट्रेट लाइन पाथ देखते हैं, पूरा पूरी पास कर गया 99% पूरा पूरी पास कर गया, ये सब पूरा पूरी पास कर गया 99%। यह है पहला कंक्लूजन, पहला ऑब्जर्वेशन, ऑलमोस्ट 99% पासेस स्ट्रेट। दूसरा पॉइंट आता हमारा, दूसरा देखिए कुछ पार्टिकल कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए, देखते हैं ये न्यूक्लियस से टकरा के, न्यूक्लियस से साइड से टकरा के डिफ्लेक्ट कर गए, ये हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, सब अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड at very small angle, small angle पे deflect कर गए। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल तो ये होता है HE
Fe+2। ये अटल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, रिफ्लेक्ट क्यों करेंगे पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जैसे यहाँ से पास कर गया, ऊपर से पास किया तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये रिपेल किया, इधर भी ये, इधर से जैसे ही थोड़ा सा टच हुआ न्यूक्लियस तो रिपेल किया, यहाँ इधर भी रिपेल किया। तो सम एंड मोस्ट डिफ्लेक्टेड वेरी स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल डिफ्लेक्ट कर गया सम अल्फा पार्टिकल। ये सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो हमारा, वेरी फ्यू 1 in 20,000 अल्फा पार्टिकल्स थ्रोन बैक एट 180 डिग्री एंगल, मतलब बहुत कम, ऑलमोस्ट एक 20 से, ये फॉर एग्जाम्पल 20,000 अल्फा पार्टिकल पास के लोग यहाँ से निकला, 20,000 अल्फा पार्टिकल, तो उसमें से एक ही है जो है, एक अल्फा पार्टिकल वो 180 डिग्री पे रिटर्न कर देता है। देखते हैं ये गया, ये पास नहीं किया, न्यूक्लियस से टकरा के 180 डिग्री पे रिटर्न कर गया, ये गया 180 डिग्री पे रिटर्न कर गया, रिटर्न कर गया 180 डिग्री पे। तीसरा कंक्लूजन क्या हुआ, वेरी फ्यू 1 in 20,000, मतलब 20,000 एक ही है इतने नंबर अल्फा पार्टिकल्स, विशेष न्यूक्लियस का खोज, न्यूक्लियस का खोज तो हुआ था थ्रोन टू बैक एट 183। ये गया ऐसे 180 डिग्री पे सीधा वापस आ गया 180 डिग्री पे। हम ये मतलब बैग के बात, क्योंकि बैग इसलिए बात क्योंकि न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस कुछ मास होता है, तो जैसे यहाँ से गया तो कुछ मास, जैसे अल्फा पार्टिकल यहाँ से गया तो मास है, तो मास रगड़ा के रिटर्न कर गए 180 डिग्री पे, इसलिए बैग हुआ था। इसी कारण न्यूक्लियस का पता चला था कि एक न्यूक्लियस होता है टर्म में। ये तो हमारा तीन कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ये हुआ। अब हमारा किसने कंक्लूजन क्या निकला है, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, कंक्लूजन मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट कंक्लूजन है कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज इम्पटी, ये हमारा पहला कंक्लूजन हो गया। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज इम्पटी, पूरा इम्पटी है मोस्ट ऑफ पार्ट, ये कैसे पता चला इम्पटी है, तो यहाँ से पता चल रहा है इम्पटी। देखिए स्ट्रेट लाइन पास कर गया ना, ये अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल 99% पास स्ट्रेट, ऑलमोस्ट 99% अल्फा पार्टिकल्स पास है, ना 99% ऑलमोस्ट स्टेट पास के गए, मतलब एटम खाली है पूरा पूरा, इसलिए लिखा गया मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम, एटम का बहुत सारा पार्ट है मोस्ट 99% के अप्रोक्स पूरा खाली है, ये बताया गया। यही रदरफोर्ड मॉडल पर, रदर ई थॉमसन मॉडल फैल हुआ था, थॉमसन मॉडल में क्या था, यही थॉमसन मॉडल फैल हुआ, थॉमसन मॉडल क्या कर रहा था कि चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेकिन यहाँ तो बता रहे हैं ऑलमोस्ट 99% खाली है, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, इसलिए थॉमसन मॉडल फैल हुआ था, ये रीजन था मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सेंटर ऑफ पॉजिटिव, सेंटर ऑफ द एटम इज पॉजिटिव चार्ज नॉन एज न्यूक्लियस,
सेंटर ऑफ एटम जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस, उसको बोलता है न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम ये हुआ। सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा, सेंटर ऑफ एटम इज पॉजिटिव चार्ज नॉन एज न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कंक्लूजन का कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, एटम का जितना भी मास होता है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का नेता मोस्ट ऑफ द मास। ये हमारा तीन पॉइंट हो गया, इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट और बता देता हूँ आपको। यहाँ तो कंक्लूजन हमारा खत्म हुआ, अब मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ जो आपको जानना चाहिए। एक पॉइंट होता है आपको वॉल्यूम ऑफ एटम निकालना, 10^15 इंटू वॉल्यूम न्यूक्लियस होता है, वॉल्यूम न्यूक्लियस होता है। एक पॉइंट होता है कि रेडियस जो होता है डायरेक्टली एटॉमिक नंबर होता है, नहीं मास नंबर होता है, एटॉमिक सॉरी मास नंबर, ये मतलब मास नंबर, मास नंबर रेडियस जो होता है रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली पर्सनल टू 1^3 रेडियस जो होता है मास के डायरेक्टली पर्सनल होता है मास नंबर के। प्रोफेशनल हटाने के लिए हम लोग कॉन्स्टेंट यूज करते हैं आर नोट, आर नोट 1/3। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस पे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे रेडियस डिटरमाइन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम, रेडियस निकालना डिटरमाइन, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम का। तो ये हो गया आपका ए मास नंबर, इसको और ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर, ये को बताएंगे, ये हो गया मास नंबर। तो मास नंबर ये कितना हो गया हमारा 27, फॉर्मूला लगाते यार बेटा आर बराबर आर नोट 1/3, आर नोट 27^3 ये आ गया आपका सॉल्यूशन, रेडियस निकल जाएगा। अगर मैं आपको बता तो फेलियर ऑफ अदर फॉल मॉडल क्या हुआ, तो एक तो बता दिया था आपको मैं पॉइंट फेलियर ऑफ अदर फॉल मॉडल, अदर फॉल मॉडल एक तो बता दिया थॉमस मॉडल क्यों फेल हुआ था, अदर फॉल मॉडल भी क्यों फेल हो गया ये बताता हूँ मैं आपको। थॉमसन का बता दिया था कि थॉमसन ने बात की
चार्ज और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन इसलिए फेलियर हुआ था। अदरफोर्ड का फिर बताता है, अदरफोर्ड नहीं, अदरफोर्ड को मैंने क्यों फेलियर हो गया उस। हाँ, फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ कि वह ज्यूम कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस सिमिलर एज प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन आवर सोलर सिस्टम। वह ज्यूम किया था कि जैसे इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारा सन मूव करता है सोलर सिस्टम में, सन प्लैनेट्स मूव अराउंड सन, जैसे हमारा प्लैनेट मूव करता है सन के अराउंड सोलर सिस्टम, वैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता न्यूक्लियस के अराउंड। ये अज्यूम किया था, तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा ही अज्यूम्ड दैट इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड न्यूक्लियस सिमिलर एज प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन आवर सोलर सिस्टम। ये अज्यूम किया था, जैसे प्लैनेट्स हमारे, जैसे प्लैनेट चक्कर लगाता है सोलर सिस्टम में सन की ओर, वैसे इलेक्ट्रॉन भी चक्कर लगाता है न्यूक्लियस की। यह अज्यूम कर लिया था। दूसरा इसका फेल्यूर क्या था, दूसरा यह था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैक्सवेल के मैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, हैन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल, देन इट कंटिन्यूसली लूज एनर्जी। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड, तो एनर्जी वो कंटिन्यूसली लूज करेगा। ये दूसरा फेल्योर था उसका, ये मैं लिख देता हूँ आपको, वह है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स ईएमएफ थ्योरी। चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड अनदर चार्ज पार्टिकल देन इट continuously loses its energy। ये दूसरा। तीसरा मैं बताता हूँ कि तीसरा ये था फिर कि इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी, देन इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड फाइनली फॉल्स इट्स इनटू न्यूक्लियस। तीसरा ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो लूज करेगा तो न्यूक्लियस के नज़दीक आते जाएगा फिर न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। ये और कोई एनर्जी रहेगा तभी ना वो इलेक्ट्रॉन के चारों ओर मूव कर पाएगा, नहीं रहेगा तो कैसे मूव करेगा। अगर कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो वो लूज करते करते इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस क्लोज हो जाएगा और न्यूक्लियस में अंदर गिर जाएगा। यही था तीसरा फेल्योर पॉइंट। थर्ड पॉइंट मैं लिख देता हूँ, If electron loses its energy, then it will come closer and closer to the nucleus and finally falls into nucleus, nucleus में गिर जाएगा वो होंगे। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लूज इट्स एनर्जी देन एटॉमिक स्पेक्ट्रम शुड बी कंटीन्यूअस,
बट एक्चुअल एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिसकंटीन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट एक्चुअल एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज डिसकंटीन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटीन्यूअस होता है। यही है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूस यूज कर रहा है तो कंटिन्यूस है तो उसका स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए, बट एक्चुअल जो होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रम वो डिसकंटिन्यूस होता है। यही है, इफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली लूजेज इट्स एनर्जी then atomic spectrum should be continuous, but actual atomic spectrum is discontinuous. अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, सातवें नंबर पर हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल पार्ट, अभी आगे भी थ्योरेटिकल पार्ट अभी मिलेंगे और रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते बताते हैं। जैसे ये कोई एलिमेंट, इसका मास नंबर ऊपर में ये रहेगा, जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट हो गया, ये हो गया इसका मास नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इसको भी बोलते हैं। बहुत जगह आपको ये सब मिलेंगे, कहीं मास नंबर लिखा होगा या कहीं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स लिखा रहेगा। ये क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, मास नंबर का ही होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस ए प्लस जेड। ये होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ पी। एक्स क्या है, एक्स हमारा एलिमेंट है, कोई भी रैंडम एलिमेंट कोई भी ले तो जेड क्या हो गया एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ये क्या होगा मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, सम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को होता है उसी बोलता है। पहला पॉइंट है एन एलिमेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एटॉमिक नंबर, कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर्स, कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर्स। अब रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स में ये आपने बता दिया ये क्या क्या होता है। अब पहला पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स में क्या, कोई भी एलिमेंट हो एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड, कोई एलिमेंट रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक नंबर, एलिमेंट को उसको एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर ये हमारा तो एलिमेंट को एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं जेड। जैसे कार्बन है एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 हो गया कार्बन का नंबर, एटॉमिक नंबर से इसको रिप्रेजेंट किए। दूसरा पॉइंट हो गया फॉर न्यूट्रल एटम्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, कोई भी न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम मींस जैसे हाइड्रोजन हीलियम लिथियम मतलब बिना चार्ज वाला, चार्ज नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल एटम
में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। सब कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, हम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ने मास नंबर, न्यूट्रॉन फाइंड करेंगे। पी मतलब प्रोटॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ए मतलब मास नंबर, एन मतलब न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ई से, प्रोटॉन को पी डिनोट करते हैं। ये प्रोटॉन बराबर क्या होता है, जेड, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन मास नंबर जेड, प्रोटॉन प्लस सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये हो गया जेड प्लस एन। न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। ये बराबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन में क्या जाएगा, ये हमारा जेड हो जाएगा। ये हम लोग लिखे हैं यहाँ पे, और लोग फाइंड करते हैं प्रोटॉन कैसे फाइंड करते। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। एटॉमिक नंबर ये हो जाएगा हमारा वन, नंबर प्रोटॉन वन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, और न्यूट्रॉन एटम के लिए नंबर प्रोटॉन को नंबर इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला लगेगा उसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये है तो उतना नंबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मास नंबर कौन हो जाएगा, मास नंबर हमारा ये होता है ए, ये हो जाएगा मास नंबर। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन के लिए क्या ए माइनस जेड, मास नंबर माइनस नंबर प्रोटॉन, मास नंबर ये हमारा ए और जेड ये है, ये वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। तो कार्बन का निकालते हैं, प्रोटॉन ये हो जाएगा, जितना जेड होता है वही पी होता है, ये छः हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो जाएगा, न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएगा छः हो जाएगा। ये जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि न्यूट्रल एटम है ना। मास नंबर हमारा ये हो जाएगा, मास नंबर ये 14 होता है। न्यूट्रॉन हो जाएगा ये माइनस जेड, ये हो गया ए, ये हो गया जेड, ये माइनस जेड 14 में 6 गया तो 8, 6 14। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हम बताना चाह रहा हूँ। देखिए ये, अब देखिए एल्यूमिनियम है, मास नंबर 27 होता है, एटॉमिक नंबर 13 होता है। लेकिन ये चार्ज दिया हुआ प्लस 3, चार्ज है, नोटिस करिए चार्ज है प्लस 3, ये न्यूट्रल एटम नहीं है वो, ठीक है। इसमें कैसे फाइंड करेंगे, मास नंबर तो ये हो जाएगा नहीं, प्रोटॉन मतलब नंबर ऑफ जेड, जेड तो ये हो जाएगा 13 है, 13 हो जाएगा, क्योंकि फोर एन एलिमेंट या रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज से कोई लेना देना है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर ये है हमारा जिसको जेड बोलते हैं, तो 13 रह जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, रिमेंबर करिए कि मतलब चार्ज का कोई रोल नहीं है एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला चार्ज का, तो 13 आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन में पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पे रोल पड़ेगा, इसमें ये फॉर्मूला देखिए, फोर न्यूट्रल एटम नंबर प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन, हम लोग न्यूट्रल एटम के लिए नंबर इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ न्यूट्रल नहीं है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे, प्लस 3 चार्ज। अगर अगर ये न्यूट्रल होता, मान के चलिए अगर ये न्यूट्रल होता 27 होता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 27 होता, लेकिन यहाँ न्यूट्रल है नहीं है, प्लस 3 चार्ज, 3 चार्ज मतलब प्लस 3 है, 3 एटम निकाल लेंगे हम लोग, ये है इसमें 3 एटम निकाल लेंगे हम लोग, तो कितना बचेगा 24 बच जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, निगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, निगेटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ऐसे में यही होता है, अगर ए एल माइनस 2 तो यहाँ हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन निकालेगा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 27 का 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो 24 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 24, न्यूट्रल नहीं है चार्ज है इसमें।
अब मास नंबर देखिए, मास नंबर तो यही होगा, ए माइनस जेड प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर तो यही होगा, 27 ही होगा। आप देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, ये हमारा ये हो गया, जेड हो गया, ये 27 में तय हो गया, कितना हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया,